श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति की तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला, उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति, मान सम्मान होता है, तो दूसरों का आदर नहीं करता। परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा, ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा, ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। जो विधाता की लेख में होता है, उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकता। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई ना घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका और वो मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे, तो परीक्षा में सफल अवश्य होगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। भ्रम और संदेह से परे, जब भगवान आपसे प्यार करते हैं, तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार, यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है, तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है, या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई करता है, तो वो कर्म आपको आपके जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है, वो अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए, तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के
हारे हार है और मन की जीते जीत अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है और धर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छीन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदलती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से भाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बढ़ जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल ये सोचिए, यही वास्तविक धर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे, यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है, वो भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उनका सामना करते हैं। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसलिए जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना नाश कर बैठता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वह बहुत ज्ञानी थे। गांव के लोग उनके पास जीवन की समस्याओं का हल पूछने आते। एक दिन एक युवक उनके पास आया जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसने साधु से कहा, महाराज मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती, मेरी सभी कोशिशें व्यर्थ जाती हैं, आखिरकार क्यों मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं पा रहा हूँ? साधु मुस्कुराए और युवक से कहा, बेटा चलो नदी किनारे चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझाऊंगा। युवक साधु के साथ नदी किनारे पहुंचा। साधु ने एक पत्थर उठाया और उसे नदी के पानी में डाल दिया। पत्थर पानी में डूब गया और पानी में छोटी छोटी लहरें बनने लगी। साधु ने युवक से पूछा, क्या तुमने देखा कि पत्थर के गिरते ही लहरें बनी? युवक ने कहा, हाँ महाराज मैंने देखा। साधु ने समझाया, जीवन भी इसी नदी की तरह है, जो भी कर्म हम करते हैं उसका असर होता है। कभी कभी हमें तुरंत परिणाम दिखाई देते हैं, जैसे इस पत्थर के गिरने से लहरें बनी, लेकिन कभी कभी हमारे कर्मों का फल हमें समय के साथ मिलता है और ये उस पत्थर की तरह होता है जो गहरे पानी में डूब जाता है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा लेकिन उसका समय तय होता है। युवक अब भी चिंतित था और बोला, लेकिन महाराज मैं तो इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है। जब एक बीज बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे पानी धूप और समय चाहिए।
हमारे कर्म भी वैसे ही होते हैं। अगर तुम अच्छा कर्म कर रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा। युवक समझ गया कि उसे धैर्य और विश्वास रखना होगा। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमें धैर्य और विश्वास के साथ सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।